माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाज प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आपको पता है हम क्या जानने जा रहे हैं? हमारे व्यवहार में कुछ छोटी मोटी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिससे हमारे वैवाहिक जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हाथ में वह रेखाएं होती हैं, कहां होती है तो ये जानेंगे। दूसरी बात जो हम जानेंगे, कद्दू की बात, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हो भले ही कद्दू की। हम सामान्यतः यही कहते हैं ना, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता कद्दू है, लेकिन कद्दू कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपको पता है? आज कद्दू के लाभ और कद्दू से हानि की बात करेंगे। आज पेरेंटिंग टिप्स में उन बच्चों की बात करेंगे जो चीखते बहुत हैं। उनका चीखना एक खास निशानी है जो आपको समझनी जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे शास्त्रों से। सामान्यतः हम भारतीयों में पढ़ने की आदत नहीं है, शौक भी है तो आदत नहीं है। ये आदत हमें डालनी चाहिए, हमें अपने मूल ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम अपने इतिहास के बारे में बहुत कम जानते हैं, या जो जानते हैं वो इतनी भ्रांतियों भरा है कि हमारा ना जानना या जानना सब बराबर है। जैसे मैं श्री राम जी की सेना के तीन महान योद्धाओं की, तीन महान ज्ञानियों की बात करता हूं। ये मूलतः सुग्रीव की सेना में है। सुग्रीव की सेना में नल नील नाम के दो वानरों की बात आपने सुनी होगी। यह भवन निर्माण कला में अद्भुत थे, सेतु निर्माण कला में ये अद्भुत थे, ये बहुत बड़े इंजीनियर्स थे। इन्हें सुग्रीव की सेना में बहुत मुख्य स्थान प्राप्त था। इन्हें शिल्प कला का भी बड़ा ज्ञान था, इन्हें उन तकनीकों का ज्ञान था जिससे 100 योजन लंबे समुद्र पे पुल का निर्माण हुआ। लेकिन हमने इन्हें क्या बनाया? कोई रीछ बना देता है, कोई भालू बना देता है, कोई बंदर बना देता है। दरअसल ये वानर हैं, ये वन में रहने वाले नर हैं, और रीछ और भल्लूक जो हैं ये जातियां हैं। जाति से मेरा मतलब चार वर्ण वाली जाति से नहीं, यह जाने जाते हैं जिन गुणों की वजह से वह रीछ और भल्लूक या भालू हैं या लांगुर आदि हैं। यह जानवर नहीं है, पशु नहीं है, लेकिन मैंने अनेक कथाओं में ऐसा सुना है कि इन्हें पशु बताया गया है। यह भ्रांति पैदा होती है, इसीलिए हमें पढ़ना है, और जब हम पढ़ें तो पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ें। जब बच्चे ये चीजें समझेंगे तब उन्हें संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होगी। नहीं तो आज के बच्चे ये अनसाइंटिफिक बातों पर ध्यान नहीं देते। पौराणिक कथाओं के अनुसार नल और नील बचपन से बहुत शरारती थे और वन में रहने वाले ऋषियों को बहुत परेशान करते थे, उनकी वस्तुएं उठाकर ले जाके भाग जाते थे, फिर नदी में फेंक देते थे। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। तब कहा जाता है कि इन ऋषियों ने इन भाइयों को श्राप दिया कि जो भी कुछ ये पानी में फेंकेंगे वह डूबेगी नहीं, वह तरेगी। इसलिए इन्होंने पानी में पत्थर फेंके और वह तैरने लगे, जिससे वह पुल बना। लेकिन मैंने आपको यह बताया है कि वह पुल केवल तैरते पत्थरों से नहीं बना है। वह पुल कैसे बनाया है उसकी पूरी टेक्नोलॉजी मैंने आपको एक बार बताई थी, आपको याद होगा। ऐसे ही एक और महान योद्धा वहां पर हैं, एक महान विद्वान वहां पर हैं, जामवंत। वह भी सुग्रीव सेना में बहुत सम्मानित है। ये सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं उस सेना के, लेकिन इनमें बहुत बल है और ये औषधियों का बहुत ज्ञान रखते हैं। लेकिन हमने इन्हें देखा और बताया कैसे? एक भालू के रूप में। वह गलत है, यह मनुष्य के ही रूप हैं। जैसे अलग अलग क्लाइमेट के मनुष्य अलग अलग स्थानों पर रहते हैं,
और उनका शरीर, उनका चेहरा, उनके शरीर पर बाल, वह अलग अलग प्रकृति के होते हैं। ठीक ऐसे ही ये मनुष्य हैं। और जामवन 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर चुके थे, यानी ये बड़े घुमंतू प्रवृत्ति के थे। इसलिए आज के बाद बंदर, भालू, रीछ आदि पशु, इनको कहना बंद कीजिए। और इनकी जो महानता है, और ये जितने बड़े वैज्ञानिक हैं, जितने बड़े इंजीनियर और डॉक्टर हैं, उसकी हमें कद्र करनी चाहिए। मैं विषय पर बात करता हूं। और विषय पर जो आज की बात है वो ये है कि हम छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं जो हमें पता नहीं होता है, सीरियसली हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन हाथ पर उसके संकेत होते हैं। लेकिन उन गलतियों की वजह से हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब मंगल कोई इतनी दूर से बैठकर सीधा नुकसान थोड़ी कर रहा है। हमारे अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां आती हैं जिसकी वजह से हम अपना नुकसान करते हैं। उदाहरण के तौर पर मंगल किसी का जब खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत रैश होता है। रैश होने का क्या मतलब? एकदम कोई बात सुनी, प्रतिक्रिया दे दी, जरा सी बात पर बिदक के प्रतिक्रिया दे दी। एक बार जब आप बिदक कर किसी के मन को आहत करते हैं तो बाद में चाहे आप उसे धोने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन आहत होने का वह दब्बा जाता नहीं है, वह कहीं ना कहीं मन के अंदर बैठता चला जाता है और उससे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होती हैं। क्योंकि मंगल जब भी कमजोर होगा, व्यक्ति का विवेक भी कमजोर होगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को सुने बिना एकदम क्रोधित वाली प्रतिक्रिया देता है तो समझ लीजिए उसका विवेक कमजोर है, और मंगल इस तरह से नुकसान पहुंचाता है। और अब तक हम जान चुके हैं कि हमारे अंदर जाने अनजाने कुछ ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन साथी को बहुत आहत करते हैं और विवाह सुख में उससे बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हमने मंगल की एक प्रवृत्ति के बारे में जाना है। अभी हम मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जानते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। मेष राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा कष्टदायी सिद्ध हो सकता है, रिश्तों को लेकर, पढ़ाई को लेकर। अपना फोकस बनाने की कोशिश करनी है, मन को शांत रखना है। सावधानी, यदि आपको ठंड की शिकायत या एसिडिटी की शिकायत है तो इस दिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? आपको अनाज का दान कर देना है, किसी को भी, कितना भी, कैसा भी। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, वक्त आपके लिए सुख देने वाला है और यह सुख आपको माता जी की मदद से मिलेगा या ननिहाल की मदद से मिलेगा। किसी मित्र से बातचीत करके आपको अच्छा लगेगा, अचानक कोई कॉल वगैरह भी किसी भूले बिसरे मित्र की आ सकती है। सावधानी, वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, और यदि आपको भोजन से गैस बनने की परेशानी हो उस दिन विशेष ध्यान रखें। जिनको रक्त या हृदय संबंधी व्याधियां हैं वह भी अपना ख्याल रखें। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, अचानक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है और उस यात्रा से आपको एकदम तो नहीं लेकिन कुछ समय के बाद लाभ होगा, संतोष मिलेगा। सावधानी रखनी है, इस दिन आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखनी है और छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों को जल पिलाइएगा, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आपको बहुत सोच समझ कर बोलने की आवश्यकता है। वैसे ये दिन आपके लिए अच्छा है, धन संबंधी मामलों में भी आपको लाभ हो सकता है। सावधानी, इस दिन अपनी भाषा पर, अपने गले का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से कहीं कोई झगड़ा झंझट मनमुटाव ना हो, ये भी ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? दूध या दूध से बनी हुई चीजें माता जी को दें, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। अब हम बात करते हैं वह कौन सी रेखाएं होती हैं जिनके होने पर हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा अनजाने में हमसे कुछ ऐसा होता रहेगा जिससे हमारा वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा। क्योंकि
यह कई बार होता है। हम प्रत्यक्ष रूप में भले ही कोई गलती नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी गलतियां अनेक बार करते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। आप इन रेखाओं को बहुत ध्यान से देखिए, ये वाली जो रेखाएं हैं इसको बहुत ध्यान से देखिए। अगर यह रेखा आपके हाथ में है तो आपका कुछ सेकंड का गुस्सा, बस कुछ सेकंड का गुस्सा, यह आपके वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानियां ला सकता है। आएगा कुछ सेकंड, लेकिन वह कुछ सेकंड आपके जीवन साथी के मन को बहुत प्रभावित कर जाए, हर्ट कर जाएगा, घायल कर जाएगा और उससे झगड़ा झंझट बढ़ेगा। भारत की स्त्रियां महान होती हैं, वह तो जज्ब कर लेती हैं, पुरुष नहीं कर पाते, झगड़ा एकदम बढ़ जाता है। कभी कभी ये जिनके हाथ में रेखाएं हैं उनकी भाषा बहुत खराब होती है। बात सही कह रहे हैं, बात वो होनी भी चाहिए, लेकिन कहीं इस तरीके से जाती है कि वह जीवन साथी को या वैवाहिक जीवन को बहुत नकारात्मक रूप में प्रभावित करती है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन ये रेखा हाथ में है तो अब अपने व्यक्तित्व और व्यवहार का एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि यह कमी होगी 101%, और फिर उसे करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अब आप कहेंगे उपाय क्या है? यही उपाय है कि आपको पता चल गया और आप उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। कोई धागा पहनने से ठीक नहीं होगी, ये आपकी मेहनत से ठीक होगी कमी। एक और चीज जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है, अगर आपके इस हिस्से पर, यहां पर ही जहां ये है, यहां पर ये तारा सा बन जाता है, इस हिस्से पर ये तारा सा बन जाता है, तो आपके अंदर एक बड़ी अजीब सी आदत आ जाती है। आप गुस्से में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पुरुष क्या स्त्री क्या, बस गुस्सा आना चाहिए। ऐसे बहुत अच्छे हैं, गुस्सा आने के बाद तो बस जमीन आकाश एक कर देते, सारे ताऊ चचा नाना नानी दादा दादी माता पिता सब पर पानी फेर देते हैं, और उसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। एक छोटी सी कलह मन में बैठी रह जाती है, और जब बहुत सारी चीजें मन में बैठी रह जाती हैं तो कभी ना कभी वह भी उग्र रूप में निकलनी शुरू होती हैं, और वैवाहिक जीवन उससे डिस्टर्ब होना शुरू होता है। एक और चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अगर आपके हाथ का ये हिस्सा उठा हुआ है, ठीक है, ये हिस्सा आपके हाथ का उठा हुआ है और चंद्रमा का ये हिस्सा बाहर निकला हुआ है और ये मोटा है, ये बात बहुत छोटी सी कह रहा हूं लेकिन है बहुत काम की, ध्यान से सुनिए। अगर हाथ का ये हिस्सा उठा हुआ है, अंगूठे के नीचे वाला, चंद्रमा का ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका आगे की ओर बढ़ के उठा हुआ है, तो ऐसे लोग सबसे बहुत खुलकर मिलते हैं, और इसी वजह से जीवन साथी के मन में शक पड़ जाता है। बस ये एक ऐसी चीज होती है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात, लेकिन वह शक पड़ गया। मैंने एक ऐसा केस आपको सुना रहा हूं, बड़ा विचित्र सा है लेकिन सही है, और आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी या उनके आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी में यह हुआ होगा। नई शादी हुई, ये हाथ में चिन्ह थे, पति के हाथ में इस प्रकार के चिन्ह थे, तो वह सबसे ठिठोली करते रहते थे, हंसी मजाक करते रहते थे, खासतौर से स्त्रियों से। बुरे इंसान हैं ये नहीं है, लेकिन उनकी आदत में शामिल था। इसी बात से पत्नी को शक हो जाता था, वो शक से डरने लगी, और उस डर की वजह से उन दोनों के बीच में पहले कोल्ड वार हुई, फिर वार हो गई। ध्यान देना पड़ता है, ये छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन है, एग्जिस्टेंस है इस चीज का। और ये कार्य क्या कराता है? शुक्र मंगल का योग या शुक्र चंद्र का योग। तो जिनकी भी कुंडली में ये योग है, बराए मेहरबानी वह बहुत ध्यान रखे अपने व्यक्तित्व का, और खास तौर से यदि विवाह नया हुआ है तो
समय लगता है एक दूसरे को समझने में, और खास तौर से आज के माहौल में वह समय दें। एक व्यथा लेता हूं। सृष्टि जी की यह व्यथा है, अपने हस्बैंड के बारे में इन्होंने पूछा है। कहते हैं कि व्हाट विल बी माय हस्बैंड्स करियर एंड व्हेन विल आई बी एबल टू हैव माय ओन होम। अरे देखिए, ऐसी कोई बहुत समस्या की बात नहीं है। 2019 में मार्च के बाद से समय ठीक होना शुरू हो जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता नहीं कि आपके हस्बैंड उपाय करेंगे, लेकिन अगर ये शनिवार को थोड़े से जौ दूध में धोकर, 5-6 जौ दो बूंद दूध में धोकर नाली में बहा दिया करें, और शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को पका हुआ भोजन दिया करें जो सरसों के तेल में बना हो, उसमें खिचड़ी या उड़द की दाल अवश्य हो, तरक्की होनी तय है 2019 में। ठीक। और सबसे पहले हम जानते हैं सिंह कन्या तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, मन इस दिन चलायमान रहेगा, इस दिन कोई इन्फेक्शन आपको ना पकड़े, इस बारे में थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिएगा। भोजन बहुत अच्छा सा लीजिएगा, सावधानी, ठंडी चीजों का इस दिन सख्त परहेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप तांबे के बर्तन में जल लें, सूर्य की प्रार्थना करें, उसके बाद काम पर जुटें, तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, धन के मामले में, रिश्तों के मामले में ये दिन थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, इसीलिए आपको केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, सावधानी। इस दिन आप बहुत सारी ऐसी चीजें सोचेंगे जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए सोच में आप अपना दिन वेस्ट नहीं करके आप कुछ अच्छा काम कर लीजिए, आपके द्वारा इस दिन की गई मेहनत से आगे आपको लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर करने के लिए, शहद का या गुड़ का दान जरूर कर दीजिएगा। तुला राशि, वैसे तो यह दिन अच्छा है क्योंकि इस दिन आपको लाभ हो सकता है, इस दिन जिनसे आप प्रेम करते हैं उन लोगों से आपकी भेंट हो सकती है। हाँ, इस दिन आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना पड़ेगा यदि कोई बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं या फिर आप कहीं बड़ा निवेश कर रहे हैं, कोई बड़ा खर्च कर रहे हैं। उपाय, दिन को और सार्थक बनाने के लिए पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधें, फिर अपने काम पर जुटें, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन आपको ऑफिस में कुछ परेशानियां दे सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे तो यह दिन प्रमोशन भी करा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको दौड़ भाग बहुत करनी पड़ेगी, किसी से बात करनी पड़ेगी, सावधानी क्या रखनी है। इस दिन अपनी भाषा पर बहुत काबू रखिएगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि किसी पर भी विश्वास करके अपनी एक्टिविटीज के बारे में या अपने राज के बारे में मत बता दीजिएगा। यह दिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहने वाला है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप ओम चंद्रमसे नमः का भी जप करके फिर अपने काम पर जुट जाइए, वो सब ठीक करेंगे। आइए अब विषय पर फिर से चर्चा शुरू करते हैं। अगर आपकी यहाँ पर कई सारी ये छोटी छोटी रेखाएं हैं इस टाइप की, तो पता है क्या होता है, इस टाइप की छोटी छोटी रेखाएं कई सारी होने से हम कभी कभी बहुत कंजूस हो जाते हैं। हो सकता है आपकी कंजूसी ठीक हो, जस्टिफाइड हो, लेकिन कभी 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 दिल खोलना पड़ता है। अब मान लीजिए बहुत कंजूस हो गए तो बस उसी बात पे झगड़ा हो जाएगा। अब आपके जीवन साथी ने ऐसी कहा कि आप हमें ये नया कपड़ा खरीदना है, आपने एकदम मना कर दिया, अरे बर्बाद होगा पैसा, आप तो ऐसे ही करते रहते हैं। या आपको मान लीजिए कहीं बच्चे के लिए कुछ खरीदना है, आपके जीवन साथी, आप तो ऐसे ही करते रहती हैं, समझाइए क्या जरूरत है खरीदने की। मन में छोटी सी फांस पड़ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं हमारे माता पिता के लिए हमारा जीवन साथी कुछ करे, ये स्त्री पुरुष दोनों चाहते हैं, लेकिन
धन है, हम उतना मैनेज कर सकते हैं, है या नहीं जो भी छोड़ो, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैनेज नहीं करते और ब्लंटली कुछ कह देते हैं। हालांकि दो मिनट बाद हम फिर नॉर्मल होकर वो काम करते हैं, लेकिन फांस तो पड़ गई। और उससे ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये बुध धीरे 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 एक दूसरे के प्रति मन में भेद डालना शुरू करता है। सामान्यतः हम समझते क्या मंगल ही सब कुछ गड़बड़ करता है, ऐसा नहीं, ये वाला बुध भी गड़बड़ करनी शुरू कर देता है। उससे तनाव होता है, अलगाव हो या ना हो लेकिन तनाव होता है। उससे लोग एक दूसरे के प्रति वह इज्जत कम करते चले जाते हैं मन में। इसीलिए कहीं कहीं हमें अपने मनोभाव पर और जबान पर काबू रखना होता है। एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं, ये सबसे छोटी उंगली, मान लीजिए ये बाहर की तरफ बहुत ज्यादा निकल आती है, जब आप हाथ फैलाते हैं ये उंगली आपकी बाहर की तरफ निकल आती है, तो आप अपने जीवन साथी से जो चाहते हैं वो करता है तो ठीक है, यदि वो किसी कारण से नहीं कर पाता तो आप गुस्सा हो जाते हैं, अपशब्द कहते हैं। अगर आपकी ये उंगली मुड़ गई, इस तरीके से मुड़ गई, यूं मुड़ जाती है आगे की ओर इस प्रकार से, तो आपको और भी ज्यादा केयर करनी है, क्योंकि कभी कभी उस स्पेट ऑफ फिंगर में एक सेकंड में आप कुछ ऐसे अपशब्द बोल जाते हैं कि आपका जीवन साथी बहुत आहत हो जाता है और वह धीरे 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 आपसे विमुख होने लगेगा या आपको भी उसी भाषा में जवाब देने लगेगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि यहां पर ये मान लीजिए ये रेखाएं हैं, ये विवाह की रेखा होती है, इसको मैं यहां दिखाता हूं, ये विवाह की रेखा इस तरीके की है, ये दो भागों में बट गई, ये विवाह की रेखा मान लीजिए दो भागों में बट गई, और यहां पर ये आपकी छोटी छोटी रेखाएं हैं, या आपकी उंगली आगे की ओर ऐसे झुकी हुई है, तो क्या होता है, ताना मारने की आदत होती है। ये तंज कसना और ताना मारना ये इतनी बुरी आदत है, और समस्या क्या है कि जो व्यक्ति ताना मार के बोलता है या तंज कस के बोलता है, वो व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा, या वो कभी ये जानेगा ही नहीं कि आदत मुझ में खराब है। वो क्या कहेगा, जो आता भैया हम साफ कह देते हैं, कि जो हमने अपने ये नोशन डेवलप कर लिया, जो साफ कह देते हैं, हम साफ कहना सुखी रहना, ऐसी बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन आपकी वो साफ गोई जो है वो आपकी प्रियता और विनम्रता को समाप्त कर देती है और घर में झगड़े के बीज बो देती है। मान लीजिए आपके जीवन साथी ने ये आदत सीख ली साफ कहने की, फिर क्या होगा, तलवारें खींचेंगे। चलो अभी और ढेर सारी बातें करते हैं, अब मैं आपके सामने एक विचार देता हूं जो आपका दिन बना देगा। आज का जो विचार है ये एहतिशाम अख्तर के बहुत सुंदर अशआर है, वो क्या कहते हैं, शहर के अंधेरों को एक चिराग काफी है, शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलाने से। ये उन लोगों के लिए लिखा गया लगता है जो ये कहते हैं कि हम बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास साधन नहीं है कुछ करने के लिए। तो सुन लीजिए, एक चिराग जला दो, अंधेरा थोड़ा सा मिटेगा, वो कितना मिटेगा ये छोड़ो, लेकिन यह जान लो कि आपके एक छोटे से इफर्ट से बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होकर इफर्ट्स करने लग जाएंगे, और वो छोटे छोटे इफर्ट्स यानी छोटे छोटे चिराग उस शहर के अंधेरे को खत्म कर देंगे। इसलिए अपने आप को कम मत आंकिए, जितना भी है कर गुजरिए, आपके करने से लाभ होगा, आपको आपके जीवन का लक्ष्य मिलेगा, संतोष मिलेगा, सुख और आनंद मिलेगा। और हम बात करते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि की। धनु राशि, संभल के चलिएगा, यह दिन कुछ परेशानियां ला रहा है, सावधानी, इस दिन
किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए और अपना धन या अपने कागज किसी को मत दीजिए। बस बाकी एक उपाय कर लीजिए। और उपाय क्या है? इस दिन कच्ची सब्जियों का दान कर दीजिएगा किसी गरीब को, उसकी दुआओं से आपका दिन अच्छा बीतेगा। मकर राशि। अचानक कहीं कोई यात्रा का संकेत मिल रहा है, कहीं घूमने फिरने का या पार्टी वगैरह में जाने का संकेत मिल रहा है, दिन अच्छा है, खूब मेहनत से आगे बढ़े, रोजी सब ठीक करेंगे। लेकिन कुछ सावधानियां जरूर बरतनी है, और वो सावधानी है एक तो आपके अपने स्वास्थ्य की, आपके अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की, और आपके सीनियर्स या बॉसेस आपसे नाराज ना हो जाएं उस बात की। उपाय, शम शनिश्चराय नमः, इसका जप करके अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि। यह दिन आपके लिए अच्छा है, तरक्की देने वाला सिद्ध होगा, बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कराएगा। इस दिन लाभ देर से मिल रहा है, मिलेगा जरूर। एक छोटी सी सावधानी बरतनी होगी, और वो ये है, इस दिन कहीं चोरी ना हो जाए इस बात का ध्यान रखें, या कोई आपको ठग ना ले इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करना है, फिर काम पर जुट जाना है, फिर वो सब ठीक करने। मीन राशि। पढ़ाई लिखाई के लिए वक्त अच्छा है, इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। समय कुल मिला के बढ़िया है, आनंद देगा, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा। इस दिन कोई नया कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं, कुछ परेशानियां जरूर आएंगी लेकिन काम बनते दिखाई दे रहे हैं। सावधानी, इस दिन अपना धन और अपनी दोस्ती संभाल कर रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? हल्दी और चावल का दान अवश्य कर दीजिएगा किसी को भी, तो वो सब ठीक करेंगे। अब स्वास्थ्य चेतना। आज स्वास्थ्य चेतना में मैं बात कर रहा हूं कद्दू की। कद्दू को कोई छोटी मोटी चीज मत समझिए, कद्दू में मैग्नीज होती है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, ट्रिप्टोफन होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ई होता है जिससे आप सुंदर दिखते हैं, विटामिन बी होता है इसमें, उसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। दिमाग खोलता है कद्दू जी, जिसको हम सामान्यतः ऐसे ही कह देते हैं, हर बेकार की चीज के लिए तुरंत कह देते ना कद्दू। कद्दू बहुत काम की चीज है, और कद्दू आपके हार्ट को बहुत मजबूत करता है, और पेट में जो चीजें आसानी से पच नहीं रही हैं, यदि वो कद्दू के साथ खाई गई हैं तो फटाक से पच जाती हैं, जैसे कद्दू पूरी, कद्दू कचौड़ी, बहुत टेस्टी होती है ना कद्दू पूरी। कद्दू तो कद्दू, कद्दू के बीज भी बहुत फायदेमंद होते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कद्दू के बीज का पाउडर लेना चाहिए गुनगुने पानी से, या थोड़े गुनगुने दूध से। कद्दू के बीज का सेवन करने से नींद बड़ी अच्छी आती है। कद्दू के बीज का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है, और भूख भी हमारी बहुत ज़्यादा खाए बिना शांत हो सकती है। तो फिर देखिएगा कितनी ज़बरदस्त औषधि है कद्दू। लेकिन कद्दू बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अन्यथा ये आपके पेट को बहुत नरम कर देता है, खोल देता है, जिससे टॉयलेट की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, टॉयलेट ज़्यादा आनी शुरू होती है। ऐसे कद्दू आपके कब्ज को दूर करता है, लेकिन अति तो हर चीज़ की बुरी होती है ना, इसीलिए तो कद्दू खाइए, इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, अच्छी नींद पाइए, दिमाग मजबूत कीजिए, और अपना आनंद बढ़ाइए, और साथ साथ पैसे भी बचाइए। पेरेंटिंग टिप्स का समय हो गया है। क्या आपका बच्चा चीखता बहुत है? अगर आपका बच्चा बहुत चीखता है, किल्ली मारना जिसे कहते हैं, ऐसे करके खेलते समय बहुत शोर मचाता है, तो आपका बच्चा बहुत इमोशनल है। ध्यान रखिएगा, एक इमोशनल बच्चे की पेरेंटिंग में बहुत धैर्य रखना होता है, बहुत प्यार देना होता है। तो आपका बच्चा अगर खेलते समय या रोते समय जोर से चीखता है,
तो आप उसे ज्यादा प्यार दीजिए, लेकिन उसको व्यवहारिक बनाना होगा, डिसिप्लिन बनाना होगा। अन्यथा बहुत ज्यादा पेम्पर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को करते हैं वह उनके लिए खाई खोद देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका बच्चा यदि बहुत चीखता है तो इसका मतलब अब आप उसके साथ थोड़ा और फ्रेंडली होइए, उससे बातचीत कीजिएगा और आप देखेंगे धीरे धीरे खामोखा चीखने की आदत उसकी कम होती चली जाएगी। अब आप देखिए कुछ एक चीजों को और बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ये हिस्सा यहां से अगर किसी का दबा हुआ है और यह हिस्सा किसी का यहां से उठा हुआ है तो ऐसा लड़का या लड़की बड़े पोजेसिव होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं। लेकिन ये इमोशनल सारी जिंदगी नहीं रहते, शादी के कुछ समय तक रहते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, इससे ये लोग बड़े पजेसिव हो जाते हैं। ये खाओ ये ना खाओ, मतलब उनका जो मर्जी है वो आपको बेस्ट देंगे, चाहे वो आपके पेट में दर्द कर दे। ऐसे लोगों से एक और परेशानी होती है कि वह आपके जीवन की हर चीज, यहां तक कि आपकी विचारों तक को कंट्रोल करना चाहते हैं और इससे बहुत झगड़े बढ़ रहे हैं आजकल। आज का जो समाज है, आज का जो युग है, आज के जो बच्चे हैं एक लिबरल एज में है। अब है तो है, अब आप इन्हें ठीक करेंगे, करते रहना, लेकिन फिलहाल आज तो ठीक नहीं होंगे ना। ये लिबरल एज के लोग हैं और ये अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। अच्छा, पहचानते तो इसमें गलत क्या है, इसीलिए इनकी अपनी एक सोच होती है। लेकिन जिसके हाथ में इस प्रकार की चीजें होती हैं वह दूसरे को सोचने ही नहीं देना चाहता या चाहती। वो चाहते हैं सब कुछ हमारी सोच से हो, क्यों हम सही सोच रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए पति को मान लीजिए पकौड़े खाने का मन है, पत्नी कहती है पकौड़े खाने से वजन बढ़ता है, पकौड़े खाने से LDL बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पकौड़े खाने से पेट में गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत जरूरी है, तुम बीमार पड़ोगे तो मुझे बहुत दुख कष्ट होगा। क्या गलत है इसमें, पत्नी ने सब कुछ तो सही कहा। लेकिन एक चीज हुई ना, हम व्यवहार से हट गए, कभी कभी पकौड़े खा भी लेगा कोई तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये ठीक है, पत्नी कहती है उसके आगे कि आपको जो है मल्टीग्रेन रोटी ही खानी चाहिए, पकौड़ा नहीं खाना चाहिए, आपको केवल सैलेड खाना चाहिए। ठीक है, रोजाना वैसे ही है, लेकिन 10-15 दिन में यदि एक बार मन कर गया तो प्रेम से खिला दो। लेकिन हम दूसरे के थॉट को कंट्रोल करते हैं, शुरू शुरू में तो हो जाता है और अच्छा भी लगता है, लेकिन बाद में नहीं, बाद में क्या होता है, धूमधड़ाम होनी शुरू हो जाती है और छोटी सी बात का बतंगड़ बनना शुरू हो जाता है, इससे ग्रस्त जीवन को नुकसान होता है। आइए अब उनको शुभकामनाएं देते हैं जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल इस प्रकार है, आपके ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं, आपको मेहनत तो बहुत कराएंगे लेकिन आपको लाभ भी देंगे। इन 12 महीनों में कुछ सावधानी रखनी होगी। पहली सावधानी इन 12 महीनों में ये रखनी होगी कि आपके अंदर घमंड ना आए। इन 12 महीनों में आपको इन्वेस्टमेंट करने से संबंधित सावधानियां रखनी होंगी। इन 12 महीनों में आपको घर के बच्चों और अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना होगा। लेकिन कुछ महीने हैं बहुत अच्छे, जैसे आपके लिए मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर और फरवरी मार्च 2019, ये बहुत अच्छे महीने हैं। इन महीनों में मेहनत करने से लाभ होगा। लेकिन यदि आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, विवाह आदि करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट है 10 दिसंबर। ठीक
उसके बाद आप कुछ नया बड़ा मत कीजिएगा, अन्यथा हानि होगी। उपाय क्या करना है? एक नियम बना लीजिए, रोजाना आप उड़द की दाल निकाल के रख दिया कीजिएगा और फिर उसे शनिवार को दे दिया कीजिए। तो हमने खूब सारी बातें की आज, लेकिन इन बातों का अच्छा परिणाम भी निकालना, आपस में हिल मिल के रहना, परिवार मजबूत होता है तो व्यक्ति मजबूत हो जाता है, समाज और राष्ट्र मजबूत हो जाता है, बच्चे खुश रहते हैं। चलो कहो राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।